नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय कैथल के नए बस स्टैंड के बाहर हम हैं और आप देख सकते हैं कि आज जो यहां पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर टोकन लगाने की प्रक्रिया यहां पर लगातार जारी है। मौके पर पुलिस बल और SHO साहब यहां पर मौके पर मौजूद है और साथ में बात करें ऑटो के प्रधान की वो भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। अभी हम बातचीत करेंगे किस तरीके से यहां पर टोकन लगाए जा रहे हैं, इनकी क्या फ़ायदे हैं और क्या किस लिए यहां पर लगाए जा रहे हैं। जी सर, सर आज यहां पर जो टोकन नंबर लगाए जा रही है किस लिए लगाए जा रही है, आपका क्या कहना है सर? ये ऑटो वाला से हमने बातचीत करी है। अभी एक तो ये पता लग जाएगा भाई ये ऑटो है शहर का है यूनियन का है। इसका एक फ़ायदा है, इस पर प्रधान का भी नंबर लिखा हुआ है। हमने ये इनको ये भी बोला है कि भाई ऑटो जो ड्राइवर है रिक्शा ड्राइवर है वो अपना फ़ोन नंबर और नाम पीछे लिखेगा ताकि यात्री परेशान ना हो, किसी यात्री का सामान छूट जाए उसको ये सुविधा हो कि मैं किस ऑटो में किस रिक्शा में बैठा रहा। जी सर, ठीक है, मेन पर्पज़ यही है और ये नंबर लगाने का पर्पज़ इनका यही है कि भाई ये यातायात पे हर तरह का नियंत्रण रहे, किसी प्रकार का कोई जाम ना लगे किसी प्रकार का भी। मेन मकसद यही है हमारा। जी सर, कोई चार्जेस वगैरह भी है सर टोकन का? नहीं नहीं, टोकन का चार्जेस हमारी तरफ से कोई नहीं है। जी, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं किसी प्रकार का भी। हमने तो ये है कि भी शहर में जाम ना लगे, ऑटो की वजह से कोई किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो और ये कागज़ पत्र लेके अपना ठीक ठाक चले शहर में। जी सर, जैसे ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई में मतलब चलान करती है अन्य वाहनों का, उस प्रकार से ऑटो के कम चलान देखने को मिलते हैं, जांच कम देखने को मिलती है। करते हैं हम ऑटो को चलान करते हैं, जो लापरवाही करता है कागज़ पत्र जिसके नहीं है उनको आप, मैंने बोला भी है जिसके नहीं है वो बनवा लो अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नहीं है। हम अगर जो बगैर कागज़ के मिलेगा चलान हो जाएगा। जी सर, जी सर, मेरा नाम संजीव है जी, टाट यूनियन का प्रधान हूँ। सर, हम ये स्टिकर इसलिए लगा रहे हैं, एक तो हमारे शहर में कुछ लोग ऐसे ऑटो वाले कि उनकी पहचान कर सकते हैं हम, किसी सवारी का सामान रह जाता है या किसी का कुछ भी रह जाता है उसकी हमने पहचान नहीं है जी। ये हम नंबर जो दे रहे हैं सीरियल नंबर से दे रहे हैं जी। एक नंबर हम स्टैंड की गाड़ी का दे रहे हैं, दो नंबर हम टॉप की गाड़ी का दे रहे हैं जो टॉप में चलते हैं जी। उनकी हमको पहचान हो जाएगी ये आदमी कहाँ का है और ये नहीं कहाँ का नहीं है जी। आज शहर में कितने ऑटो हैं? शहर में ऑटो कम से कम ना करते 5-6 हज़ार ऑटो हैं। 5-6 हज़ार ऑटो है, तो आपने आज सभी ऑटो पे लगाई है या शहर के जो हैं या एक जितने भी शहर में ऑटो हैं जुड़े हैं? जितने भी शहर में ऑटो हैं हम ये स्टिकर सभी को लगाएंगे जी। कोई चार्जेस वगैरह? अभी तो चार्जर नहीं ले रहे हैं, अभी जो यूनियन का हमारा जो भी 5 रुपये का डेली का है वो लेंगे हम उनसे। अच्छा, लेते रहे हैं अब तक? नहीं लिया अब तक हमने किसी से, कोई 10 रुपये नहीं लिया। अच्छा, आगे से अब हम 5 रुपये डेली लेंगे हर ऑटो से यूनियन के फंड में, यानी कि 150 रुपये महीना। हाँ जी, आपका क्या कुछ कहना? जो आप स्टिकर लगाए गए हैं इनसे आपको क्या लगता है? मैं संजय कुमार हूँ, प्रधान ऑटो यूनियन डिस्ट्रिक्ट कैथल। ये जो स्टिकर लगाए गए हैं ये एक पहचान है ड्राइवर की, ताकि किसी को भी हमको भी पता चले ये स्टैंड का है या ये गांव का है या ये बाहर का है, कुछ इनकी आड़ में कोई क्राइम ना हो कि ना बाहरी कोई ऑटो आते हैं और हरकत करके चले जाते हैं जिससे शहर के ऑटो बदनाम होते हैं। उनको देख मद्देनजर देखते हमने एक ही पहचान बनाई है जिससे कि प्रशासन को और आम नागरिक को भी सुविधा होगी। जिसके जब कोई दिक्कत है कुछ शिकायत है ऑटो नंबर प्रधान का, ऑटो ड्राइवर का नाम और उसका नंबर मोबाइल नंबर और ऑटो के जितने भी रिलेटेड कोई भी शिकायत है प्रधान का नंबर लिखा हुआ है वो उससे कॉन्टैक्ट करें और जो भी समस्या होगी हम वहाँ से समाधान करें। जो 5 रुपये दिन के अभी सर ने कहा कि 5 रुपये दिन के हम लेंगे, तो ये पैसा सारा जो भी होगा, कोई मेरा भाई गरीब है किसी के चलान कट जाता है किसी कारण का किसी में दिक्कत है कट जाता है वो भरने में असमर्थ है, तो ये यूनियन जो है यूनियन है वो ही उसकी हेल्प करेगी। मतलब ऑटो यूनियन पे ऑटो यूनियन पे ही करेगी, कोई भी हो है जो भी होगा लिखित रूप में होगा, कोई भी उसका ब्यौरा प्रशासन से ले सकता है जी। हाँ, और भी हम ऑटो वाले से बातचीत करेंगे। सर, आप ऑटो चलाते हैं ई रिक्शा चलाते हैं? ई रिक्शा जी। नाम क्या है आपका? राजेश मलिक। आज जो यहाँ पर टोकन नंबर लगाए गए इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। और भी हम ऑटो वाले से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? कुलदीप है मेरा नाम जी। आज जो ये टोकन नंबर लगाए जा रहे हैं सहमत है या असहमत है? सहमत है जी, इसके लिए जी पहले जी बगैर टोकन के लिए चलती है बगैर लाइन नंबर जी लड़ाई होती जी ऑटो के साथ गियर रिक्शे वाले की जी। अब देखते हैं जी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर टोकन नंबर ऑटो और ई रिक्शा पर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं असुविधा होती थी, आए दिन जो है लड़ाई झगड़े असुविधा के कारण देखने को मिलते थे, आज उसी के चलते यहाँ पर ऑटो यूनियन के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के हाथों यहाँ पर टोकन लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि आपकी सुविधा के लिए हैं। आपके साथ कोई भी घटना होती है या आप ऑटो रिक्शा चालक के व्यवहार से आप कहीं ना कहीं नाखुश हैं, कहीं भी आपके साथ कुछ भी होता है तो आप संपर्क साध सकते हैं। टोकन नंबर पे नंबर लिखा हुआ है आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए ये टोकन नंबर लगाए गए हैं। फिलहाल बने रहे आप हमारे साथ, मैं हूँ कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ सन्नी प्रजापति।